तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत इन केले के पौधा से कर रही हूँ और काफ़ी शाम हो गए हैं और शाम को ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दिन में काफ़ी धूप होते हैं और मैं ओकेजन में आई हूँ तो काफ़ी घर में तैयारियाँ चल रही है। और ये देखिए, केले में कितना अच्छा फ्रूटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। और ये इतना अच्छा प्लांट है कि फ्रूटिंग के बाद गिर जाता है और फिर वहाँ से दूसरा पौधा निकल जाता है। और एक काफ़ी पुराना है, हम लोग जब छोटे थे उससे भी पहले का सब ये प्लांट है। और आप देख सकते हैं, ये सब मेरे दादाजी के ज़माने से लगे हुए हैं। और ये देखिए, अब यहाँ सारे पुराने पौधे को काट के नया नया लगाए जाते हैं। और ये देखिए, एक गड्ढा है जिसमें रेनी सीजन में काफ़ी पानी भर जाता है। और ये बहुत पुराना आम का पौधा दिख रहा है और ये नए नए फिर से लगाए जाते हैं। देखिए कितना घना जंगल जैसा बन गया है। और इस फ्रूट को घर वाले नहीं खा पाते हैं तो पूरे गांव में बांटे जाते हैं, इतना ज़्यादा जंगल है केला का, देख सकते हैं। ये सब मेरे दादाजी के ज़माने से लगे हुए हैं और ये अपने आप ग्रो होते रहते हैं। और एक फ्रूटिंग बंद होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा फ्रूटिंग हुआ है, कम से कम 5 से 6 फ्रूटिंग हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी लंबे लंबे प्लांट हैं, जब ये पूरे पक जाते हैं तो खुद से गिर जाते हैं नीचे, फिर ये लोग काट के घर लाते हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्लांट है। और पहले यहाँ पर काफ़ी गुआभा का प्लांट लगा हुआ था, अब वो सब काट दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंवला का पौधा था, वो भी काट दिया गया है। और देखिए, अब सब नए सिरे से लगाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं केले का प्लांट कितना बड़ा बड़ा है और कितना पुराना है, ये भी आप देख सकते हैं। और एक पौधा गिरता है और नीचे से छोटा छोटा पप्स निकल के फिर इतना ही लंबा लंबा पौधा रेडी हो जाता है। और एक गड्ढा के किनारे है तो इसमें ज़्यादा कोई जाता भी नहीं है। और ये इधर ही साइड गिर जाता है जिधर से मैं वीडियो ले रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये सब नए नए लगाए जा रहे हैं। देखिए, अभी काफ़ी शाम हो गई है तो मैं उधर नहीं जा रही हूँ, इधर से ही वीडियो ले रही हूँ। और ये सब मेरे घर के बगल में ही लगे हुए हैं। और देखिए, मेरे चाचा जी भी काफ़ी मेहनत करते हैं, अपना एक चेयर लगा के रखे हैं और काफ़ी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अभी वो। और बहुत सारा शो प्लांट भी लगाए हैं। और देखिए, नए नए आम का पेड़ लगा रहे हैं। और ये देखिए, लेमन का पेड़ है और देखिए इसमें काफ़ी फ्लावरिंग हुई है। और ये देखिए, नए नए सब आम के पौधे लगे हुए हैं। और इधर भी गाय बछड़े को बांधा जाता है, सब काफ़ी गाय बछड़े रहते हैं मेरे घर, ये लोग काफ़ी गाय बछड़े का शौकीन है। और आप देख सकते हैं, और देखिए लंबे वाला नींबू लगा हुआ है इसमें, जो कागजी नींबू होता है और काफ़ी लंबा लंबा इसका फ्रूट होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम काफ़ी खुशबूदार है ये सब। देखिए कितना ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है इसमें। और काफ़ी लंबी लंबी ब्रांच भी हैं इनकी, तो इनके सपोर्ट के लिए इनको बांधे हैं मेरे चाचा जी, काफ़ी केयर करते हैं पौधा को। और ये भी दो तीन घंटे सुबह काफ़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर भी लगाए हैं और नए नए आम के पौधा भी लगाए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा फ्रूट से भरा हुआ है, अभी अभी इसमें फ्रूटिंग हो रहा है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। इनका पत्तियाँ को देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितने लंबे लंबे इनकी ब्रांच हैं और पूरा फ्लावर से भरा हुआ है। देखिए एक और पौधा जो कि काफ़ी फ्रूटिंग से नीचे लटक गया है और इतना ज़्यादा इसमें वेट हो गया है कि ये वेट के चलते नीचे गिर गया है।